everyone, welcome to my YouTube channel. Make, get, let. You have been taught. Let me teach you. Now, have and help. Let's learn what are the have and help. So, be connect with me. Here is the have. Have, subject plus agent. Subject plus have plus agent plus to plus verb first form plus object. Subject plus have plus agent plus verb first form plus object. What is subject? I, we, you, she, he, it, they. There are 7 subjects. Now, here is the have. Let's learn what is have. Have is causative verb. Have is causative verb. What is agent? Agent is person. Any person. Any person. He, she, it, they. Any person we can use. What is verb? What is first form? And what is object? We do work on object. Like, I gotta tell you that. Object. I have, let me tell you, let me give you 4 examples. I have my brother to do. I have my brother to do work. I have my brother to do work. Here is a simple sentence. I have my brother to do work. Mean I am telling you in Urdu language. Get. This is very easy. This is very easy. You can get as soon as possible. When we talk about have, we have to mention batana. Maine apne bhai ko kaam ke bare mein bataya. There are 2, like ask and have, like ask and tell. 2 things. Ya to hum puchne ke bare mein batate hain ya to batane ke bare mein batate hain. Maine apne bhai ko bataya ki kaam karne ke bare mein. I have my brother to do work. मैंने अपने भाई के काम के बारे में बताया. मैंने अपने भाई को काम के बारे में बताया. I have my brother to do work. मैंने अपने भाई को काम के बारे में बताया. Now he or she के साथ क्या लगाएंगे? She has her sister to do work. अब he or she के साथ has ही लगेगा, जाहिर सी बात है. तो क्या करेंगे? She has her sister to do work. उसने अपने बहन से काम के बारे में पूछा या बताया. अब मेरे पास भाई है या मेरे पास कोई भी दोस्त है, मैं कह रहा हूँ I have my friends to teach my students. मेरे पास अपने दोस्त हैं जिनसे मैंने पढ़वा दिया, मैंने क्या किया उनसे, मैंने पूछा पढ़ाने के लिए. I have my friends to teach my students. I have mechanic to check my bike. मेरे पास मैकेनिक है चेक करने के लिए. मैंने क्या किया? मेरी गाड़ी चेक करने के लिए मैंने पूछा या मैंने बताया, भाई मेरी आपने गाड़ी चेक करते हो, यानी मैं पूछता हूँ या बताता हूँ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं have. बिल्कुल सिंपल है, कोई मसला नहीं ऐसा. तो इसमें थोड़े बहुत और सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए. यू हैव माई ब्रदर टू डू वर्क. आपके पास मेरा भाई है काम करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं. या तो आप ऐसा पूछ सकते हैं आपके पास मेरा भाई है काम करने के लिए, यानी कि पूछ सकते हैं. पूछना भी है और बताना भी है. गॉट इट? एनी प्रॉब्लम हियर? तो दूसरा, मैं दूसरा सेंटेंस बना रहा हूँ. यू हैव many teachers to teach students. अभी आपके पास क्या है? आपके पास बहुत सारे टीचर्स हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तालिबे इल्म को पढ़ाने के लिए. आप क्या करते हो? उनसे पूछते हो. यानी कि हैव हमारा आता है पूछने में और बताने में. सिंपल है बिल्कुल, और कोई मसला नहीं है. ओके गाइस, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन एस्क मी. ओके, नाउ लेट्स लर्न हेल्प. ये मिटा देता हूँ, समझ आ गया आपको. अभी बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा, हैव में कोई मसला नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैव. व्हाट डू वी यूज इट? नाउ आई एम गोना टेल यू दैट हैव सब्जेक्ट आई वी यू शी इट दे हैव. व्हाट इज हैव? हेल्प इज पॉजिटिव वर्ब. एंड पर्सन आई टोल्ड यू एनी पर्सन, सेम थिंग, नथिंग चेंज. एंड वर्ड फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहां पे मैंने टू क्यों नहीं लगाया? टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते. अगर देखा जाए तो टू ज़्यादातर यूज़ नहीं होता टू इसमें. आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. इट डिपेंड्स ऑन यू. इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन, इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ यू कैंट. बोथ आर करेक्ट. दोनों बराबर हैं, दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों सही है सेंटेंस. टू यूज़ कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं. चलें आगे बढ़ते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आपको पता चल जाए.
आई हेल्प माई फ्रेंड्स डू वर्क. आई हेल्प वॉट इज पॉजिटिव वर्ब. माई फ्रेंड्स पर्सन, फ्रेंड्स पर्सन. डू वर्क वॉट इज डू. डू इज वर्क फर्स्ट फॉर्म. दिस इज ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस पर्सन प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा. अभी सेंटेंस का मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, मीनिंग इसकी क्या दे रहा है. आई हेल्प माई फ्रेंड्स डू वर्क. मैं अपने दोस्तों को काम करवाने में मदद करता हूँ. ही और शी के साथ एज का इजाफा होता है. जैसे मैं बोल रहा हूँ ही हेल्प्स मी टू टीच यू. वो मुझे आपको पढ़ाने में मदद करता है. ठीक है, मदद कौन कर रहा है? मैं खुद की मदद नहीं कर रहा. मेरे ऊपर एक बंदा है जिसको अच्छी तरह के से कुछ पढ़ना लिखना आता है और मैं उससे मदद ले रहा हूँ और उसकी मदद से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. यानी कि मैं सीख रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं हेल्प. जैसे मैं बोल रहा हूँ यू हेल्प मी स्पीक इंग्लिश. आप मुझे इंग्लिश बुलवाने में मदद करते हैं. आई हेल्प यू टू प्ले क्रिकेट. मैं आपको क्रिकेट खिलवाने में मदद करता हूँ. बिल्कुल सिंपल है, कोई मसला नहीं है. ज़्यादातर लोग सोचते हैं ये होगा वो होगा वो होगा, कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दिस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर यू. लेकिन सिर्फ समझने की ज़रूरत है, सिर्फ फोकस देने की ज़रूरत है, उसके बाद कुछ नहीं है. ठीक है, यहाँ तक कोई मसला. अब थोड़े से और सेंटेंस एक दो बनवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, कोई मसला ना हो. यू हेल्प मी गो देयर. आप मेरी वहाँ जाने में मदद करते हो. आई हेल्प यू टू मेक टिकटॉक्स. मैं आपकी हेल्प करता हूँ टिकटॉक बनवाने में. शी हेल्प्स मी ऐसा इजाफा होगा. शी हेल्प्स मी टीच टू ऑल ऑफ यू. वो मेरी मदद करती है आप सबको पढ़ाने में. यू हेल्प देम स्पीक ईच अदर. आप उनकी मदद करते हैं एक दूसरे से बात करने में या एक दूसरे के बोलने में. ठीक है गाइस, यहां तो कोई मसला? ओके, अगर कोई मसला हो यू कैन एस्क मी एनी टाइम, आई विल बी अवेलेबल. ओके, सो टुडे वी लर्नड व्हाट द पॉजिटिव वर्ब्स आर. देयर आर 5 पॉजिटिव वर्ब्स. आई डाउट यू मेक गेट लेट नाउ हैव एंड हेल्प. ओके गाइस, सो इट्स टाइम टू लीव यू एंड लव यू फ्रॉम माय साइड. हैव अ नाइस डे.